हे गाइस, आज हम ट्राई करेंगे बेसन के लड्डू जो एकदम लगेंगे मोतीचूर जैसे। आप इसको प्रसाद में भोग के लिए भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। ज़्यादा चीज़ों से नहीं बनेगा ये। बेसन लेंगे एक बॉल में, ऊपर से पानी डालेंगे, पानी का अच्छा सा बैटर बना लेंगे, जैसे पकौड़े सेकते हैं ना एकदम वैसा बैटर बना लेंगे थिक से, ज़्यादा बबल्स नहीं होने चाहिए इसमें। अब आपको घी में बनाना है तो घी में बना लो, मैंने रिफाइंड लिया है उसमें। अब इसको पकौड़े की तरह लंबे लंबे कर देंगे, थोड़े से क्रंची होने देंगे ब्राउन तक। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर कर लेता है एकदम बारीक तरीके से। अब आप देख रहे हैं मैंने चाशनी तैयार करते हैं। अब उसमें फूड कलर डालेंगे रेड वाला, मोतीचूर के लड्डू में रेड कलर होता है ना, हम वैसा डालेंगे। अब इस मिक्सर को हम अच्छे से बना देंगे। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने पर हम इसमें तेल डालेंगे वाइट वाले, उसी से अच्छे मतलब लड्डू लगते एकदम। अब मैंने हाथों पे घी लगाया, गोल गोल लड्डू बनाएंगे हम, एक शेप देंगे कि देख लग रहे हैं ना एकदम। आप इसको प्रसाद में चढ़ाओ, भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ, कहीं हॉस्टल वाले बच्चों को रखो, ये ख़राब नहीं होंगे, अच्छे लड्डू रहेंगे। टेस्ट में एकदम मतलब बेसन का स्वाद आएगा, दिखने में मोतीचूर जैसे। सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो।